हाँ दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब चुनूंगा। आपका दोस्त योगी फिर से आ चुका है एक और नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरी जो आजकल सीरीज चली हो चली है 2023 के बैचेस के लिए, जो स्टूडेंट्स कुमाऊँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं, जैसे कि आप लोग को पता है नैनीताल DSV कैंपस में जो लोग आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं जो है वीडियो बना रहा हूँ। उनकी कोई सी भी प्रॉब्लम हो, चाहे फीस से रिलेटेड हो, फीस कोई सी भी हो, चाहे लॉ BBA BCA को यूनिवर्सिटी में कोई सी भी फीस, तो आप सीधे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, वो भी बता दूंगा। और बहुत से लोग अभी भी कन्फ्यूज़न है कि कुमाऊँ यूनिवर्सिटी में जो है उसकी साइट पे जो है रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं दिखा रहे थे, वो कैसे दिखाया गया। कुमाऊँ यूनिवर्सिटी की जो है इस बार समर्थ पोर्टल में हो रहे हैं, मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ। बहुत से लोगों ने जो है पीछे के जो मैंने ब्लॉग्स बनाए हैं वो देखे नहीं है, तो आज फर्स्ट टाइम क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो उन्हें बता देता हूँ समर्थ पोर्टल पे जो है इस बार रजिस्ट्रेशन वगैरह हो रहे हैं। तो समर्थ पोर्टल का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक करिए। बाकी अगर फिल करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, तो हाउ टू फिल समर्थ पोर्टल फॉर्म। ओके, तो अगर कोई सी प्रॉब्लम आती है तो सीधे कमेंट सेक्शन में पूछना आप लोग, बाकी हम आपके साथ हैं। तो एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर हाँ एक चीज़ क्या बताता हूँ, पहले समर्थ पोर्टल में जो है जब फॉर्म फिल कर रहे थे उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स आ गई है, उसमें आ रही है कि जैसे डोमिसाइल नहीं है आप लोग के पास उत्तराखंड की, तो डोमिसाइल नहीं है तो आपको क्या होता है थोड़ी सी प्रायोरिटी नहीं मिल पाएगी, 5% जो है थोड़ी लेस हो जाएगी। तो डोमिसाइल को है जो आप लोगों ने अप्लाई कर लेना है, अप्लाई करने में जो है उसकी जो रिसिप्ट आ जाएगी अप्लाई करते समय, आप उसको अटैच कर सकते हैं वहाँ पे। और बाकी जो है सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न स्टूडेंट्स को क्या हो रहा है कि माइग्रेशन नहीं है, TCCC नहीं है, बाकी क्लास 12th की मार्कशीट अभी नहीं आई है। देखिए 12th की मार्कशीट आने में देखिए टाइम लग जाएगा आपको, 2 से 3 महीने लग जाएंगे। मार्कशीट आते आते जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे आप लोग। तो अभी जो है आप लोगों ने क्या करना है, जो आपके इंटरनेट पर शो हो रही है प्रोविज़न उसको अटैच कर देना है, उसको अटैच करने के बाद रजिस्ट्रेशन कर देना है, रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, उसके बाद आपने वेट करना है। एडमिशन जो है वही होगा जुलाई में, होगा जुलाई में ही मेरिट लिस्ट आएगी, मेरिट के बेसिस में ही यहाँ पे एडमिशन मिल रहा है। तो और जो है सुवन सिंह जीना, मैं भी अंडर ग्रेजुएशन के हो गए स्टार्ट, सारे पोर्टल वगैरह खुल गए हैं, वो भी समर्थ पोर्टल पे ही हो रहे हैं। एक किसी ने पूछा था मेरे से कि आप अल्मोड़ा का भी बता दीजिए, अभी फ़िलहाल मैं अल्मोड़ा में हूँ। और यहाँ पर देखिए आप लोग, यहाँ पर BEd की क्लासेस वगैरह चलती हैं, और इसके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको लॉ की क्लासेस मिल जाएंगी। तो लॉ का गेट भी दिखाता हूँ, अभी थोड़ा सा ऊपर को चलते हैं, बाकी आपको यहाँ का ग्राउंड भी दिखाता हूँ अल्मोड़ा का, अभी फिलहाल मैं अल्मोड़ा में हूँ। बाकी PG वगैरह से भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही है कि PG जो है, तो गर्ल्स PG आपने दिखाया नहीं इस बार 2023 का, तो PG जो है मैं दिखाऊँगा आप लोगों को। थोड़ा सा जो है सब्र रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, क्योंकि बहुत टाइम है आप लोग के पास। अभी देखिए लास्ट मंथ से तो स्टार्ट हुए, 31st से स्टार्ट हुए मई से, 25th जून तक जो है रजिस्ट्रेशन होने हैं, 25th जून तक रजिस्ट्रेशन होंगे, उसके बाद जो है आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। मेरिट लिस्ट ला लो कि 10-15 दिन मेरिट लिस्ट आने में भी लग जाएगा, उसमें भी फिर पहले दिन एक मेरिट लिस्ट आएगी, फिर दूसरे तीसरे दिन के बाद जो है दूसरी मेरिट लिस्ट आती है, 2-3 मेरिट लिस्ट निकलती है। उसके बाद जो है आपको हॉस्टल में एडमिशन चाहिए, हॉस्टल का बड़ा प्रॉब्लम रहेगा, तो हॉस्टल का जो रहता है वो रहता है कि एडमिशन के बाद ही मिलेगी आपको। देखिए हर वीडियो में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग जो है इस वीडियो में ही फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इंस्टाग्राम की ID भी दे देता हूँ, वहाँ पर जाकर भी क्वेरीज कर सकते हैं आप लोग जो भी आपकी है। बाकी हम ऊपर को चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं कि आज क्या करते हैं। अभी शाम का हो गया है, यहाँ पर 6 बजने वाले हैं, थोड़ा सा वॉक करके आते हैं। देखिए ऊपर को चलते चलते एक दो चीज़ें और बता देता हूँ, जैसे UG के लिए तो मैंने जो है आप लोगों को अपडेट बताना शुरू कर दिया था, और PG के जो है अभी एडमिशन शुरू नहीं हुआ है, तो PG के जैसे एडमिशन शुरू होते हैं वैसे मैं वो भी आपको लोग को अपडेट बता दूंगा। PG के जो एडमिशन शुरू होंगे आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जुलाई या अगस्त में स्टार्ट होंगे, तो तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करिए जिनको कुमाऊँ यूनिवर्सिटी में लेना है। ओके, ये फैकल्टी ऑफ लॉ SSJ कैंपस अल्मोड़ा, अंदर का टूर जो है मैं बाद में दूंगा आप लोग की डिमांड में, अभी नहीं, बस आप लोग देख लीजिए गेट। आप लोग को जो है मैंने SSJ कैंपस अल्मोड़ा का लॉ के बारे में बताया था कि यहाँ पे एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो गए हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के, तो उसकी भी एक वीडियो बनाई है, वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वो भी चेक कर लीजिए। जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, तो आपकी फ़ीस वगैरह कम हो जाती है, बाकी आपको प्राइवेट सीट भी मिल सकती है बाद में, बट उसका कोई फिक्स नहीं रहता। तो आप SSJ कैंपस का ये ग्राउंड है, यहाँ पर देखिए छोटे बच्चे कैसे फुटबॉल खेल रहे हैं, ये स्कूल के बच्चे हैं, कुछ कॉलेज के बच्चे आते हैं यहाँ पे,
बहुत अच्छा मॉल रहता है, मतलब सनसेट जो होता है ना इस साइड होता है, इतना प्यारा लगता है ना, इतना बेहतरीन मज़ा आ जाता है देखने में। आपको सब कुछ देखने में मिलेगा, बास्केटबॉल वाले भी आ जाएंगे थोड़ी देर में। ये देखिए यहाँ पर क्रिकेट चल रहा है और यहाँ पे फुटबॉल चलेगा। सो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोग को ऐसी इन्फॉर्मेशन वगैरह देता रहूँगा, ऐसे स्टे कनेक्टेड, और बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, स्टेप टू स्टेप सबका एडमिशन होगा।